रोहित शर्मा के पास है ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने का मौका, रिकी पोंटिंग से हैं ठीक पीछे। रोहित शर्मा हाल ही में अपनी कप्तानी में लगातार सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बने थे। अब वो नया रिकॉर्ड बनाने के करीब हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है। यहाँ रोहित के नेतृत्व में टीम इंडिया ने 3 मैचों की T20 सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारतीय टीम ने पहला मैच 50 और दूसरा 49 रनों के बड़े अंतर से जीता है। इंग्लैंड दौरे पर T20 के बाद वनडे मैचों की सीरीज भी खेली जानी है। ऐसे में यहां रोहित शर्मा के पास एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने का मौका है और वह इस मामले में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग को पछाड़ सकते हैं। उन्होंने 19 इंटरनेशनल मैच जीते हैं और उनसे आगे सिर्फ रिकी पोंटिंग हैं जिन्होंने करियर में लगातार सबसे ज़्यादा 20 इंटरनेशनल मैच जीते थे। दरअसल रोहित के पास सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैच टेस्ट वनडे T20 जीतने का मौका है। फिलहाल रोहित की कप्तानी में अब तक लगातार 19 इंटरनेशनल मैच जीते गए हैं। उनसे आगे सिर्फ रिकी पोंटिंग हैं जिन्होंने करियर में लगातार सबसे ज़्यादा 20 इंटरनेशनल मैच जीते थे। यदि रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में इंग्लैंड के खिलाफ अगला T20 जीतते हैं तो पोंटिंग की बराबरी कर लेंगे। इसके बाद वनडे सीरीज का पहला मैच जीतते हैं तो पोंटिंग का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। बता दें कि पोंटिंग ने यह रिकॉर्ड आज से 19 साल पहले यानी 2003 में बनाया था, जबकि रोहित अपनी कप्तानी में 2019 से अब तक सभी 19 मैच जीतते आ रहे हैं। उनका यह विजय रथ अभी भी जारी है।